सो गाइस ये देखिए ये हमें लेकर आ गए कहाँ, फुल्की खिलाने के लिए। कल है करवा चौथ, तो करवा चौथ पे आप सभी को पता करवा चौथ पे तो आप सभी को पता है कि सभी हस्बैंड एक दिन पहले अपनी बीवियों को भर भर पेट खाना खिलाते हैं। तो ये आते समय मुझसे बोले क्या खाना था, तो मैंने कहा मुझे चाट फुल्की खाने का मन है, तो वहीं पर ले आएंगे देखिए। और फुल्की हमने खा ली, काफी टेस्टी बनी थी। और अब हमारा चाट चाट बन रहा है। और मूली चाहिए? नहीं, मूली मत डालिएगा भैया। तो हमने कहा कि चलो खा लेते हैं। दही भी मत, दही मत, क्या धनिया अदरक? नहीं ये सब मत डालिए, चटनी रहेगा मेरे, मूली कर दीजिए बस, बाकी कुछ नहीं। और कुछ नहीं रहेगा? नहीं, दही भी नहीं। तो बस चलिए अब हम लोग खा लेते हैं फटाफट से। और आप लोगों को मैंने कहा बता दो वैसे कि जिनके हस्बैंड ले गए होंगे बाहर खिलाने के लिए, या कुछ लाए होंगे घर में स्पेशल खाने के लिए, तो कमेंट करके बताइएगा जरूर। और अब हम चल रहे हैं फटाफट से खा लेंगे, और हो सकेगा तो मोमोज भी खाएंगे। बस चलिए फटाफट से खा लेते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में आप लोगों से, ठीक है। तो गाइस, तो आपने कल वीडियो देखी, वो रात की क्लिप थी, और अभी मॉर्निंग का टाइम है। मम्मी भूंज रही हैं चावल, और यहाँ पर मैं बाबू को खिला रही हूँ दूध रोटी, और रिकॉर्डिंग कर रही है रिमझिम। मैं उसी को दी हूँ कि जो कुछ भी होगा रिमझिम वर्षा तुम लोग रिकॉर्ड कर लेना। और अभी यहाँ पर मम्मी चावल को अच्छे से भूंज रही हैं, और इसके बाद खोआ बनाने के लिए दूध मतलब इसी में औट लेंगी, और इसको कतपिड़िया बोलते, कतपिड़िया जो भी, अभी मैं आप लोगों को बताऊँगी मम्मी से पूछ कर। और काफ़ी अच्छा वाला टेस्ट आता है इससे चावल का, अलग अलग चीज़ों से बनता है, कुछ भी बना लो, लेकिन कहते हैं कि चावल को मतलब करवा चौथ में पूजा ही जाता है, और हमारे मायके में चावल का फरा बनता है। तो बस चावल की चीज़ें बननी चाहिए, चाहे आप जैसे बनाओ। तो बस अभी मम्मी इसको अच्छे से भून लेंगी, ये देखिए, और चूल्हे पे ही भूंज रही हैं। तो यहाँ पर चावल भून चुका है, और इसके बाद अब खोआ औटने के लिए दूध चढ़ाई है, और आप खुद ही सुनो। तो ये खूब गढ़ाई, तो फिर इसमें मिला के एक बन देंगे में मसाला डाल के थोड़ी थोड़ी पंचमे हुआ। और अब इसमें डाल रही हैं चीनी, चीनी डालकर अच्छे से पकाएंगी। अब देखती जाइए बस। बाबू इधर देखो, गाइस यहाँ पर ये देखिए भाभी मेहंदी लगा रही थी, तो बोली आओ मेरी वीडियो बना लो, तो ये वर्षा रिकॉर्ड कर रही थी। मैंने वर्षा की ड्यूटी लगा दी थी कि बाबू तुम जितना भी सब कुछ बनेगा रिकॉर्ड कर लेना सब कुछ, तो बच्चे हैं उन्हें क्या पता क्या रिकॉर्ड करना है क्या नहीं, तो बस वो कर रही थी। तो भाभी बुला ली, ये है मेरी बड़ी वाली जेठानी, और इनके चेहरे पर हमेशा स्माइल रहती है, हमेशा खुशी रहती है। मतलब अगर आप इनसे मिल लोगे तो आपको पराए वाली फीलिंग कभी नहीं आ सकती। मैं अंदर का किसी का कुछ नहीं जानती, लेकिन अगर कोई बाहर प्यार से बोल लेना तो वो सब कुछ है। अगर किसी के यहाँ चले जाओ, कोई हंसकर बोल ले, कोई प्यार से बातें कर ले दो, तो वो सबसे अच्छी वाली बात मुझे लगती है। और यहाँ पर ये देखिए चावल जो भूंजी थी मम्मी, उसमें जो खोया था दूध को कम पकाई थी, ज़्यादा नहीं पकाई थी, और इसको अच्छे से मिक्स कर रही हैं। मिक्स करने के बाद गोले गोले में कतपिड़िया बना रही हैं, और मैं नहाने गई थी, तो ये देखिए जब तक इन्होंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। तो चलिए मैं आप लोगों से फ्रंट कैमरे से कुछ बात कर लेती हूँ, ठीक है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे गाइस। और अभी बज रहे हैं इस टाइम बस, और अभी शाम को बदल लेना, और अभी बज रहे हैं शाम के 12 लगभग, और 12 बज रहे हैं ना मम्मी?
दोबारा से कम ना हो, ज्यादा ही हो। 12-12 बज रहे हैं और हमारी कत पीढ़िया बन गई है। ये देखिए, और ये देखिए मम्मी रख रही हैं उसको, और सभी करवा चौथ की शाम की तैयारी चल रही है। हम नहीं आएगा, छोटा है ना प्लेट। शाम की करवा चौथ की तैयारी चल रही है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे ये जो बैंगल्स है कल की साड़ी से मैच करेंगे। ये देखिए येलो और ब्लू, इसीलिए ज़्यादा नहीं लाई वरना। फिर ये कहती है बाबू सो रहा मच्छर पानी के अंदर, बाबू भी नहा चुके। बाबू को नहलाई नहीं, पैरा धुला दिए, पैर हाथ धुला के कपड़े बदल दी हूँ क्योंकि उसको भी सर्दी है। अंजू भी रेडी हो चुकी है, भाभी भी रेडी हो गई है, मेहंदी लगवा रही हैं और अभी दिखाऊंगी आप लोगों को। तो चलिए, मैंने कहा आप लोगों को मॉर्निंग विश कर देती हूँ। मतलब मॉर्निंग क्या यार, आफ्टरनून हो चुका है तो आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ, फिर मौका मिलता है कि नहीं मिलता है। तो अभी हमारी हो गई है बात अच्छी खासी, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर मम्मी जी गौरी माँ बना रही हैं मेरे लिए, अंजू के लिए और जिठानी जी के लिए। और व्रत हमारा था, सब कुछ मम्मी ने अरेंज किया, कतपिड़िया बनाई, गौरी माँ बनाई, चावल। अभी आप खुद ही देखना यार, मतलब सब कुछ वो करी। बोली आप लोग, तुम लोगों का व्रत है, ऐसा नहीं कि पर्सनली मेरा, सबको उन्होंने नहीं करने दिया। और अब चावल को पीस रही हैं, इसकी चंद्रमा माँ बनाएंगी। मेरी सासू माँ जैसी शायद ही कोई हो, वैसे आप लोग बोलते भी हो कि आपकी सासू माँ बहुत ही अच्छी है, तो गाइस रियल में मेरी सासू माँ बहुत ही अच्छी है। देखिए हमारी पूरी तैयारी, और ये है भाभी की जोड़ी, कैसी लग रही है? प्यारी लग रही है ना, अच्छी लग रही है। और आज पहनेंगी भाभी लहंगा, अभी नहीं दिखाऊंगी, जब वो लहंगा पहन लेंगी तब दिखाऊंगी भाभी को। आज भाभी दुल्हन बनेंगी, अभी ना देखा घूंघट काल शाम को देखने को मिलेगा आप लोगों को। तीन दुल्हन है ना, तीन दुल्हन ना, मम्मी मम्मी भी होती तो चार दुल्हन हो जाती। घर में चाची के लायके, हाँ चाची, चाची भी नहीं रहती है, चाची का तो ध्यान से उतर गया। तो वही मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखा देती हूँ। और ये देखिए सुहाग की सारी चीजें तैयारी हो रही, रखी जा रही है, जिसमें गौरी मटर बनाई थी ना मम्मी, गौरी बनाई थी, वो गौरी है, सिंदूर है, सुहाग का सामान है, ये भाभी लाई है, ये अंजू के लिए लाई है, भाभी लाई है मतलब अपने लिए, और मैं तो लेकर आई थी, मैंने मना कर दिया था। और पंचमेवा है, जब सारी चीजें भरी जाएंगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये मेरे लिए फोटो लाई है भाभी, क्योंकि मेरी जो पिछले साल की फोटो थी ना वो टूट गई थी, और जब हम शिफ्ट हुए तो वो कागज था तो इधर उधर हो गया, तो ये मेरे लिए वो लेकर आई है। सारी चीजें रख दी गई है, सब कुछ मैं आप लोगों को अच्छे से दिखाऊंगी। अभी मैंने कहा चलो इतना ही बता देती हूँ आप लोगों को। और बाबू खा रहा खाना, बाबू खाना खा रहा है क्या? बाबू खाना खा रहा क्या? गुद्दा खाना खा रहा है क्या? बोल दो, कुछ 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 गुद्दा खाना खा रहा है क्या? तुम्हारा मोबाइल ये कह रही है बंद है, दीदी कह रही है। कौन है? लग ना रहा हो, नहीं लगने के बाद तो चलिए अब हम मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। ठीक है, तो गाइस अब देखिए हम यहाँ पर जा रहे हैं रंग लगाने के लिए। और ये देखिए मम्मी रंग भी घोल कर दे रही हैं, और जो आप जितना अरेंजमेंट देखे हो ना वो सब कुछ मम्मी जी ने किया है। मतलब कहते हैं ना कि एक पैर पर खड़ी, जिसे कहते हैं बेटी की शादी होती है, बेटी की शादी होती है तो माँ एक पैर पर खड़े होकर पूरा काम समझ लो करती है। सेम सिचुएशन मेरी मम्मी जी की, अगर कोई त्यौहार होता है तो भी वो पूरी तरीके से हेल्प करवाती, कभी सास वाली फीलिंग नहीं आने देती हैं। तो मैं तो यही बोलूँगी कि जो मेरे प्यारे 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 सब्सक्राइबर हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, उनको अगर सासू माँ मिले तो मेरी मम्मी जैसी, और हस्बैंड मिले तो मेरे हस्बैंड जैसे। वैसे मेरे देवर जी और भैया भी बहुत ही अच्छे, मतलब परिवार में सभी लोग अच्छे हैं, किसी के लिए नहीं बोल सकते कि कोई अच्छा नहीं है। और देवरानी जी, हम दोनों रंग लगा रहे हैं, मम्मी अब कॉम कर रही हैं, तो मैंने बोला कि मम्मी जी आइए आपको लगाते, तो वो बोली नहीं पहले तुम लोगों का व्रत है, पहले तुम लोग लगाओ। तो
यहाँ पर मैं थोड़ा सा मजाक कर रही थी अंजू से। तो वो बस चलिए फटाफट से रंग लगा लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से रात में, ठीक है। तो गाइस अब हम जा रहे हैं रेडी होने, रात हो चुकी है, सारा अरेंजमेंट हो चुका है। तो मैंने कहा क्यों नहीं आप लोगों को बता दूँ कि मैं अब जा रही हूँ रेडी होने के लिए। और क्या बोलने वाली थी यार, हाँ रेडी होने के लिए। क्या यार, जब कुछ होता है ना तो इंसान थोड़ा सा एक्साइटेड होता है और थोड़ा सा दिमाग काम ही नहीं करता। तो अब हम जा रहे रेडी होने के लिए और इस व्लॉग का एंड करती हूँ, मिलती हूँ हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय। तो चलिए फटाफट से रेडी हो जाएं, ये लुक आपको लास्ट में भी देखने को मिलेगा क्योंकि अभी हमारा गेटअप चेंज हो जाएगा सभी का। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, ठीक है।